हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी सीजीएल 2017 की एग्ज़ाम डेट्स, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या है 2017 का, एंड एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब और कितने इसमें इस बार इसका क्या क्या टाइमिंग हुआ एग्ज़ाम का, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में बताएंगे हाउ टू अप्लाई एग्ज़ाम डेट्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। ये आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म आप ssc.nic.in पे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, जो आप ssc.nic.in पे जाकर अप्लाई करेंगे और ये ऑनलाइन मोड से ही होगा। स्टार्टिंग डेट है जब से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे 16/5/2017 से, क्लोजिंग डेट है 16/6/2017 तक। इसमें इस बार 2017 में 4 TR होंगे। पहले जो TR होगा वो होगा 1/8/2017 से 20/8/2017, जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जो सेकंड TR होगा वो होगा आपका 10/11/2017 से 11/11/2017 के बीच में, और ये भी CBT आपका होगा। और जो थर्ड टीआर होगा वो होगा आपका 21/1/2018, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। एंड जो फोर्थ टीआर होगा वो होगा आपका फैम में होगा आपका, और जो स्किल टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपकी टाइपिंग मैटर करेगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, एसएससी सीजीएल 2017 के लिए क्या एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उसके लिए 30 मैक्सिमम, एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 30, दोनों के लिए ग्रुप बी जॉब के लिए 30 एज रखी हुई है। दे आर वेरियस जॉब, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 20-30, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए नॉट एक्सीडिंग 30, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 20-30, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 20-30 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ 20-30 है। सिमिलरली 80-27 असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चाहिए, मैक्सिमम जो एज है वो है 30, एंड इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में 18-27 कर दी गई है। जिला एग्ज़ाम में इस बार जो जैसे डेट आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में आप देख सकते हैं 28-27 कर दी गई है, और इनकम टैक्स में 38 है। ऐसे ही असिस्टेंट जो अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे भी 18-27 इस बार कर दी गई है। ये एसएससी सीजीएल 2017 में एक काफ़ी बड़ा चेंज है। सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे इंस्पेक्टर पोस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 18-27 है, और इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरोटिक्स में 18-27 है, और इंस्पेक्टर एग्जामिनर में CBEC 18-27, मतलब ज़्यादातर पोस्टों में आप 5 पोस्ट देख चुके हैं, 18-27 इस बार कर दी गई है एज लिमिट। ये आपका सिलेबस होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टायर फर्स्ट का, एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें आप देखेंगे स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम जो काफ़ी ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिम्बोलिक ऑपरेशंस, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, ये काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड जनरल अवेयरनेस की अगर आप बात करें तो मोस्ट कॉमनली करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन आपके होंगे एग्ज़ाम में, और द टेस्ट जैसे आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री में जैसे आप देख सकते हैं 5-6 क्वेश्चन होंगे, और पॉलिटी में आपके 7-8 क्वेश्चन होंगे, 7-8 क्वेश्चन ही आपके ज्योग्राफी के होंगे, लाइफ साइंस के आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो जनरल अवेयरनेस का आपका ये सिलेबस रहेगा। अगर हम बात करें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मेन सिलेक्शन, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद ये जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव की, इसमें भी आपका जो 10th लेवल का स्टैंडर्ड का जो आपका इंग्लिश होगा वो आपसे एग्ज़ाम में आपका
एस्पेक्ट होगा और वो ये आपका आपकी आपके एग्ज़ाम में वो पूछा जाएगा। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या रखी हुई है CGL 2017 में। इस बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है डिप्लोमा BA, BA होल्डर, BCom होल्डर, BSc, BSc होल्डर, BEd, LLB, BE, BTech, AMI पार्ट 1 और 2, BSc इंजीनियरिंग, BCA, BBA, ग्रेजुएशन इशूड बाई डिफेंस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स। इसी तरीके की काफ़ी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जो आप देख सकते हैं MTech, BA, MCA, MBA, अदर्स। मैंने अब देखते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा जो कि SSC CGL का आपका होगा। अगर हम बात करें TR फर्स्ट की, तो जो आपका CBTE कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा उसमें 25 इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वानिटेटिव अप्रूव के आपके क्वेश्चन होंगे 50-50 को 50-50 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और जिसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा आपका वो होगा 60 मिनट। और जो फिजिकल हैंडीकैप लोग होंगे VH एंड जनरेटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम सिलेबल LC, उनके लिए 80 मिनट्स आपका टाइम होगा। जो स्टूडेंट TR फर्स्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें TR 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के लिए 100 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 200 क्वेश्चन, स्टेटिक्स में 100, जिनके लिए दोनों पेपर अलग होते हैं स्टेटिक्स के और जनरल इंटेलिजेंस के। जो स्टूडेंट इनके लिए पोस्ट पे अप्लाई करते हैं वो एग्ज़ाम को देते हैं, उनके लिए यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर होगा। इन दोनों में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों तो सभी को देने पड़ेंगे, लेकिन जो इन दो फॉर्म को भरेंगे मतलब इन दो को अपने पोस्ट में अप्लाई करेंगे जो स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़, उनके लिए ये एग्ज़ाम आपका इनका 200 मार्क्स का अलग से होगा एंड 120 का टाइम ड्यूरेशन होगा इस एग्ज़ाम का। अगर हम TR फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपका 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा आपका TR 2 में। आपका जो TR 3rd होगा वो होगा पेन पेपर टाइप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हिंदी होगा आपका, और टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का होगा। इसी तरह से जो TR 4 होगा वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो सिंपल आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए आएगी, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड TR को पार करके आएंगे। जैसे वेबसाइट www.exam.in। अगर आप SSC CGL के रिगार्डिंग कोई भी करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं, जैसे जो भी एग्जामिनेशन का इंटरव्यू इंपॉर्टेंट हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और डेली अपडेट भी आप दे सकते हैं। कोई भी आंसर की, जैसे कोई भी करंट में एग्जाम हो उसके आप आंसर की भी हमारी वेबसाइट पर आके दे सकते हैं। न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू, दैनिक जागरण, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सभी न्यूज़पेपर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।